गुड मॉर्निंग एवरीवन। केमिस्ट्री क्लासेस बाय नवनीत सर, आपका स्वागत है फिर से एक बार। तो आज हम लोग एनसीईआरटी कर रहे थे मीन्स की, तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे था, तो मैं अब आपको शो करता हूँ। लेट्स, ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, अगर आप देख पा रहे हो 13.7। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, तो लेट्स सी क्या कहते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इनमें से मैं ज्यादातर रिएक्शंस आपको पहले करवा चुका हूँ, फिर भी जो मुझे लगेगा कि एक बार बतानी चाहिए वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। फर्स्ट वन देखिए, तो फर्स्ट वन रिएक्शन का नाम है कार्बाइल अमीन रिएक्शन। तो कार्बाइल अमीन रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि ये 1 डिग्री अमीन का सेपरेशन टेस्ट के तौर पर यूज होती है। तो फिर मैं अगेन आपको बोर्ड की तरफ ही लेके जाना चाहूंगा कि आपको बोर्ड अच्छे से क्लियर दिखाई दे। तो बोर्ड की तरफ देखिए, तो मैं आपको जो पहले करके बता रहा हूँ, That is known as carbyl amine reaction. तो ये हमारे पास carbyl amine reaction है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 डिग्री अमाइन लेंगे, ये हमने 1 डिग्री अमाइन लिया, इसके साथ ट्रीट करेंगे क्लोरोफॉर्म, ये हमने क्लोरोफॉर्म लिया। क्लोरोफॉर्म के बाद बेटे यहां पे जैसे मैंने पहले बताया था एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हीट करना होता है इसको, तो आप एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे। तो ये बेसिकली लैब का टेस्ट है कि आप लैब में करते हो इसको। तो लैब में जाओगे, ट्यूब लोगे जिसमें 1 डिग्री अमीन है, क्लोरोफॉर्म डालोगे थोड़ा सा और KOH एल्कोहल डालोगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है बेटे, जो 1 डिग्री अमीन है वो बदल जाती है आइसोसाइनाइड के अंदर, इसको आइसोनाइट्राइल भी बोला जाता है। तो यहाँ पर ये जो मैंने ऊपर एरो लगाया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को शो करता है। तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना, पहले भी हमारे पास आया था, इसका नाम क्या रहेगा, एल्काइल आइसोसाइनाइड। साथ में हमारे पास क्या निकलेंगे, 3 मॉलिक्यूल KCl के निकलेंगे, और साथ में अगर मैं आपसे पूछूं तो 3 मॉलिक्यूल वाटर के निकलेंगे यहाँ पे। तो आप चाहो तो यहाँ बैलेंस कर सकते हो। तो ये जो मेरे पास रिएक्शन कहलाती है, दिस रिएक्शन इज नोन एज कार्बाइल अमीन रिएक्शन। अब आप चाहो तो इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो नीचे, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इसकी। तो अब यहाँ पे मिथाइल अमीन लेंगे, बाकी सब सेम रहेगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा कौन बनेगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब इस रिएक्शन में होता क्या है कि जब इसको एज ए सेपरेशन टेस्ट यूज कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है इसकी बड़ी ऑफेंसिव स्मेल होती है, इसको मैंने फॉल स्मेल बोला था, बदबूदार। क्लियर सबको? तो ये जो रिएक्शन कहलाती है, दिस इज नोन एज कार्बाइल अमीन रिएक्शन। अब इसके सेकेंड रिएक्शन की तरफ आइए, अगर मैं सेकेंड रिएक्शन देखूं तो ये थी डाइएजोटाइजेशन। तो अगर मैं आपसे डाइएजोटाइजेशन की बात करूं तो लेट अस सी डाइएजोटाइजेशन में हमें क्या करना है। यहां पे हमें दिया गया होगा एनिलीन, तो ये मैंने एनिलीन लिया, और एनिलीन के साथ हमें जैसे कि आपको पहले भी पता है नाइट्रस एसिड ट्रीट करना होता है। तो या तो आप HONO लिख दीजिए, या फिर आप लोग कंप्लीट लिखना चाहते हो तो सोडियम नाइट्राइट इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और टेम्परेचर आपने लेना है 273 केल्विन से 278 केल्विन। तो ये जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी डाइजोनियम सोल्डर। ये डाइजोनियम बना जिसका मैंने आपको नाम क्या दिया था, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या BDC, अगर आपको याद हो। अब बेटा यहां पर जो NaNO2 सोडियम नाइट्राइड और HCl जब आपस में रिएक्ट करता है तो साइड प्रोडक्ट निकलता है NaCl, और अगर मैं बाकी को जोड़ के लिखूं तो क्या बनेगा मेरा प्रोडक्ट, HNO2। और अगर इसको और करके लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, HONO। तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या तो यह लिखिएगा या फिर नाइट्रस एसिड सीधा लिख दीजिएगा आप लोग। क्लियर? तो ये रिएक्शन थी डाइएजोटाइजेशन। बेटा जी जो थर्ड दे रखी है वो रिएक्शन है होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो यहाँ पे मैंने आपको अभी पीछे कन्वर्जेंस में भी बताया था, लेकिन वहां डिटेल ही बता पाया था मैं आपको, तो मैं अब आपको एक बार डिटेल बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिए। होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, तो लेट अस सी कि इस रिएक्शन में या इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं। तो यहां पर हमें क्या दिया होगा, अगर आपने होफमैन ब्रोमामाइड लगानी है
तो आपका जो रिएक्टेंट होगा वो अमाइड स्टेज पे होना चाहिए, यानी कि ये मेरे पास अमाइड की स्टेज पे होगा एसिड अमाइड, तो ये मैंने लिया एसिड अमाइड। अब हमने क्या करना है इसके साथ, यहां से वर्ड्स को उठाना होता है, तो यहां से हमने ब्रोमीन लेना है, तो ये हमने ब्रोमीन ले लिया। क्लियर सबको? अब ब्रोमीन लेने के बाद बेटे आप इसके साथ KOH के साथ इसको ट्रीट करें, तो ये मैंने KOH लिया। तो जब आप लोग यहां पे रिएक्शन करेंगे थोड़ा हीट कर दीजिए, तो अब हमारे पास क्या होगा, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये यहां से रिलीज हो जाते हैं। क्लियर सबको? तभी इसको डीग्रेड करना बोलते हैं कि इसमें कार्बन कम हो जाते हैं। तो अगर कार्बोनाइल ग्रुप निकला तो हमारे पास क्या बचेगा, आर एन एच टू, तो ये कितने डिग्री अमाइन बनेगी हमारी, 1 डिग्री अमाइन। प्लस जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा दैट विल बी रिलीज्ड एज K2CO3, तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉरी पोटेशियम कार्बोनेट की फॉर्म में हमारे पास रिलीज होगा K2CO3। ठीक है जी, साथ में ब्रोमीन है तो 2KBr निकलेगा आपके पास। अगर आप बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे पाएंगे आप 4 पोटेशियम, आपके यहाँ 4 पोटेशियम आएंगे और जो साइड प्रोडक्ट निकलेगा वो H2O निकलेगा। तो बैलेंसिंग करना चाहे तो वो आपका काम रहेगा, बैलेंसिंग कर सकते हो 2 या 3 जितना भी आना है। क्लियर? तो ये रिएक्शन जो कहलाती है क्या कहलाएगी, होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो मैंने इसको बड़ा यूज किया था, आपने देखा हो पीछे। फोर्थ जो रिएक्शन है बेटे यहाँ पे दी गई है वो है कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन मैंने आपको एलिन की तो पहले ही बता दिए, जैसे पीछे आप अगर देखें तो एजोडाइट एसिड के तौर पे मैंने बताई थी, तो मैं यहाँ पे आपको एक बार फिनोल के केस की बता देता हूँ। तो अगर फिनोल में हम लोग जब कपलिंग रिएक्शन लिखाते हैं या एजोडाइट एसिड लगाते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे हमें पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेना होता है, जिसको मैंने शॉर्ट में क्या लिखा था अगर आपको ध्यान हो, BDC। तो ये हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, तो लेट करो मुझे इस बार इसको फिनोल के साथ कपल करना है, तो ये मैंने यहाँ फिनोल लिया। और जो मुझे pH लेनी है वो बेसिक मीडियम लेनी पड़ेगी 9 से 10। तो अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन लूज होगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, जैसे पहले केस में मैंने बताया था आपको कि ये तो एक ट्रिक है याद रखने की, तो ये एनको अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है हमारे पास। तो ये जो हमारे पास बीच में बैठे कंपाउंड बनते हैं ना, जिसको मैं क्या लिख रहा हूँ, एन डबल बॉन्ड है, दिस कंपाउंड इज नोन एज एजो कंपाउंड, इसको एजो कंपाउंड बोलते हैं हम लोग। और ये जो डाइफॉर्म होती है यहाँ पे, दिस डाइफॉर्म इज नोन एज एजो डाई, तो ये एजोडाई कहलाती है। और फिनोल के केस में यहाँ पर जो पीपीटी आते हैं बेटा आपके, वो ऑरेंज कलर के पीपीटी है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि हमें किस रिएक्शन में क्या करना है। तो दिस इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन। नेक्स्ट वन जो दे रखी है बेटे वो दे रखी है अमोनोलिसिस। तो आपको मैंने होफमैन अमोनोलिसिस करवाई थी यूनिट नंबर 1 हेलो एल्केन और हेलो एरीन में। तो उसमें क्या होता था कि जब हम लोग अल्काइल हैलाइड को अमोनिया से ट्रीट करते थे, तो पहले स्टेप के बाद 1 डिग्री अमीन बनता था, फिर 2 डिग्री अमीन बनता था, फिर 3 डिग्री और फिर क्वार्टरनरी। तो वो सेम चीज है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अल्काइल हैलाइड लेंगे RX। तो ये मैंने आपका जो कंपाउंड लिया, ये कौन लिया मैंने, अल्काइल हैलाइड। अब इसको ट्रीट करेंगे अमोनिया के साथ, NH3 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, तो एल्कोहल के तौर पर मैंने इथेनॉल लिया। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो हमें मैकेनिज्म नहीं करनी होती, मैं यहाँ से H निकाल सकता हूँ, यहाँ से H निकाल सकता हूँ, तो ये मेरा प्रोडक्ट क्या निकला, यहाँ से HX साइड प्रोडक्ट। तो मेन प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे तो क्या बनेगा, RNH2, और ये कितने डिग्री अमाइन होगी हमारी, 1 डिग्री। आप इसको अगर लिखना चाहें मैकेनिज्म वाइज को आप क्या कर सकते हो, स्लाइट नेगेटिव स्लाइट पॉजिटिव, या आप यहाँ अटैक करिए, यहाँ से H को रिमूव करिए, N पे कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट करें, तो ये 1 डिग्री अमीन बनेगा हमारा। फर्दर फिर अल्काइल हैलाइड लीजिए, फिर इथेनॉल की प्रेजेंस लीजिए, ये 2 डिग्री अमाइन बनेगा आपका। फर्दर चलिए, फिर अटैक करिए, फिर रिमूव करिए, कितने डिग्री अमाइन बना, अगर आप देख पा रहे हैं ये 3 डिग्री अमाइन बनेगा हमारा। फर्दर फिर ट्रीट करिए, ये अटैक करिए, शिफ्ट करिए, ये कौन बनेगा हमारा, क्वार्टरनरी सॉल्ट।
ये जो आपके पास रिएक्शन कहलाती है, दिस इज नोन एज अमोनोलिसिस या होफमैन अमोनोलिसिस। अब बेटा जी जो नेक्स्ट दी गई है वो दी गई आपको एसिटाइलेशन। तो एसिटाइलेशन में हम लोग क्या करते हैं, यहां पे हमारे पास 1 डिग्री अमाइन या 2 डिग्री अमाइन होता है, तो हम उस 1 और 2 डिग्री अमाइन को ट्रीट करते हैं, या तो एसिड क्लोराइड के साथ करिए, या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करिए आप लोग ट्रीट उसको, या फिर अगर आप चाहें तो एस्टर के साथ कर सकते हैं। तो मैं तीनों ही करके बता रहा हूं, तो दैट रिएक्शन इज नोन एज एसिटाइलेशन। और बेटा जी मैं 1 डिग्री अमाइन का कर रहा हूं आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने 1 डिग्री अमाइन ली, ये एसिड क्लोराइड के साथ, क्लियर सबको। अच्छा यहाँ पे जो बेस लेना होता है ना, थोड़ा स्ट्रॉन्ग लेना होता है, तो मैं इसको पाइरीडीन की प्रेजेंस में कर रहा हूँ, जीवन होगा ये आपको, पर लेकिन अगर जैसे बाय नेम आया तो फिर खुद भी करनी पड़ेगी। तो मैं अब इसकी मैकेनिज्म भी करा सकता हूँ आपको, और चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो मैं पहले डायरेक्ट करा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे होगा कि हमारे पास यहाँ से सी एच जाएगा, यहाँ से एच जाएगा, साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा हमारा, एच सी एल। अगर मैं बाकी को जोड़ूंगा, बाकी बेटा जैसे मैं यहाँ पढ़ाता हूँ आपको लाइव क्लास, जब हमारी लगती है तो आपने देखा होगा कि मैं बोलता हूँ रस्सी जोड़नी होती है, तो एक कार्बोनाइल से बॉन्ड टूटे ना, तो एक कार्बोनाइल आगे एन से जुड़ेगा यहाँ पे इस तरह से। तो आप लोग इसको अगर लिखना चाहें तो यू कैन राइट लाइक दिस, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड, ये ग्रुप पहले लिखा जाता है कार्बोनाइल वाला, और एन के साथ एच और आर, ये ग्रुप बन गया। तो ये 2 डिग्री अमाइड बनता है, इसको 2 डिग्री अमाइड बोलते हैं। एन के साथ एल्काइल था, एन एल्काइल एसिटामाइड, इस तरह से आप लोग इसका नाम ले सकते, ठीक है। अब अगर आप चाह रहे हो कि इसकी मैकेनिज्म हमें करनी है, तो मैं यही शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, या मैं कर देता हूं एक केस, चलिए आपके लिए। एन के ऊपर लोन पेयर रहा होगा, डबल बॉन्ड है, कौन सी रिएक्शन, एडिशन, स्लाइड नेगेटिव स्लाइड पॉजिटिव, एन ने अटैक किया, बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, जब ये अटैक हो रहा होता है तो एन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से प्लस तो रखेगा नहीं, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है जो एन और एच के बीच का होता है, तो यानी एन के साथ एक ही एच रहेगा यहाँ पे। तो हमारा क्या प्रोडक्ट बना, अगर मैं यहाँ से जोड़ दे आर एन, एक एच रहा, यहाँ पे आके बॉन्ड जुड़े सी सी एन, नीचे कौन सा ग्रुप है, सी एच थ्री, O पे कैसा चार्ज आया, नेगेटिव, जो H यहां से रिलीज हुआ था उसको मिलेगा OHO। अब अगर आप देखें ये जो कार्बन है हमारा, इस कार्बन के ऊपर दो फंक्शनल ग्रुप इकट्ठे हो गए, तो जब दो फंक्शनल ग्रुप इकट्ठे होते हैं बेटा जी, तो साइड प्रोडक्ट निकलेगा यहां से HCl। तो अगर आप चेक करें तो जो ऊपर प्रोडक्ट बना था वही बन जाता है, तो ये जो रिएक्शन कहलाती है दिस इज नोन एज एसिटाइलेशन। तो इस रिएक्शन को हम लोग एसिटाइलेशन बोलते हैं। जैसे अब ये हमने 1 डिग्री से किया, 2 से कर सकते हो, 2 से यहाँ पे एक और आ जाएगा आपका, तो डाइएल्काइल हो जाएगा, एन एन डाइएल्काइल, सेम चीज है। अब नेक्स्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नेक्स्ट में मैं इसको ट्रीट कर रहा हूँ एसिटिक एनहाइड्राइड से, ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड होता है। तो इसमें भी मैंने आपको एक स्कीम बताई थी, अगर आपको याद होगी इसको लर्न करने के लिए, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक बार पूरा पढ़िए ध्यान से, टू को नहीं पढ़ना हमने, बाकी पार्ट पढ़ते हैं। तो हम कैसे पढ़ते थे, सी एच थ्री सी ओ ओ, तो अभी अपने आप एक एच डिमांड कर रहा है आपसे कि ये एसिटिक बन जाए, तो वो एच हम लोग यहां से लेंगे, तो हमारा साइड प्रोडक्ट क्या निकला, सी एच थ्री सी ओ ओ एच। अब अगर मैं बचे हुए पार्ट को देखूं, ये जो हाफ बचा हुआ इसको अंडरलाइन करना आपने, और यहां जो बचा हुआ पार्ट है उसको, तो क्या बन रहा है, सी एच थ्री सी ओ, तो ये बन गया CH3C डबल बॉन्ड। यहां से कौन सा ग्रुप लगा, अगर हम देखें ध्यान से, N के साथ H लगा और R, तो ये आपका कंपाउंड बना है। अगर आप देखें जो ऊपर बना था वही दोबारा बन जाता है, तो सेम प्रोडक्ट बनता है, हमारी रस्सी जोड़ी है बच्चे, देखो बचे हुए पार्ट इसके साथ सेम। तो यही आप लोग अगर करना चाहो थर्ड टाइम, आप एस्टर के साथ कर सकते, तो मैं यहां पे एस्टर के तौर पे ले रहा हूं मिथाइल एसिटेट, ये मैंने, तो यहां पे भी हमारे पास वही होगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, ये वाला जो पार्ट है क्या डिमांड कर रहा है, H, या फिर आप मैकेनिज्म कर लीजिए तो वो और बेटर सिखाएगा आपको, जैसे ऊपर की थी हमने, क्लियर। तो हमारा साइड प्रोडक्ट क्या निकला फिर से, एल्कोहल
और बाकी बचे हुए पार्ट को जोड़िए। तो तीनों केस में जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल एल्काइल एसिटामाइड। तो आई होप अब आप लोग ये कर सकते हो। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। 8th में अगर क्वेश्चन देखो तो दोबारा से कन्वर्जन आ गया मेरे पास। तो कन्वर्जन हमने पहले भी किए थे, लेकिन ये जो कन्वर्जन है थोड़ा अच्छे लेवल के, थोड़ा सा इसमें लेवल इंक्रीज होगा, तो आपने बड़ा ध्यान से देखना है कन्वर्जन को। तो लेट अस सी पहले कन्वर्जन में क्या क्या है। इसका कहना है कि नाइट्रोबेंजीन इंटू बेंजोइक एसिड, मैं लिख लेता हूं पहले, नाइट्रो बेंजीन इंटू बेंजोइक एसिड, तो ये मुझे कन्वर्जन करना है। तो लेट अस सी, ये जो मेरा कंपाउंड दिया गया है, दिस कंपाउंड इज नोन एज नाइट्रोबेंजीन, क्लियर। और ये जो मुझे कंपाउंड दिया गया है, दिस इज नोन एज बेंजोइक एसिड। तो मुझे यहां पे ये वाला मेथड करना है। अब मैं इस मेथड में क्या करूं, कई बच्चे बोलेंगे सर इसको साइनाइड मेथड से कर दो। बेटा नहीं कर सकते हम लोग इसको साइनाइड मेथड से, यहाँ पे नहीं चलेगा। तो फिर ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, जब भी कभी भी रिंग के ऊपर एल लगाए तो वो पक्का डाइजोनियम के मेथड से हो रहा होता है। तो पहले हम इसको डाइजोनियम की सिचुएशन में लेके आएंगे। तो लेट अस सी कि इसको डाइजोनियम में कैसे लाया जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं। तो रिडक्शन के इसमें तो बड़े सारे मेथड थे कि आप लोग डायरेक्ट H2 सप्लाई करके कर लीजिए, ये एक्टिव मेटल को HCl से कर लीजिए, तो जो मनाए उसकी मदद से आप रिडक्शन करो। तो मैं जानबूझ के एक्टिव मेटल से कर रहा हूं, तो मैं टीन को HCl के साथ ट्रीट कर रहा हूं, Zn को भी कर सकते हो, Fe को भी कर सकते हो। तो इनका जो काम होता है, नेसेंट हाइड्रोजन सप्लाई करना होता है। होगा क्या, बेसिकली जो टीन होगा वो इसके साथ रिएक्ट करके SnCl2 और फर्दर क्या बनाएगा, SnCl4। तो आप लोगों को नेसेंट हाइड्रोजन मिल जाएगी। नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगी तो इसकी रिडक्शन होगी नाइट्रोबेंजीन की, और जब नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन होगी तो क्या बनेगा बताइए मुझे, ऑक्सीजन रिमूव होगी तो एनिलीन। तो यहां से आपको एनिलीन मिलेगा। एनिलीन के ऊपर हमने अभी किया था, कौन सी रिएक्शन की थी, डाइएजोटाइजेशन की थी, डाइएजोटाइजेशन। आगे मैं डिटेल नहीं लिखूंगा, एक बार लिख रहा हूं आपके। तो ये हमारा कौन सा कंपाउंड बनेगा, डाइजोनियम। और बेटे डाइजोनियम के ऊपर आपको सैंडमेयर और गैटरमैन करवाई जाती थी कि जो डाइजोनियम साल्ट होता है वो कौन सी रिएक्शन शो करता है। तो वहां पे आपको बताया जाता था कि न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट, तो मैं इसको ट्रीट करूंगा CuCN इन प्रेजेंस ऑफ KCN के साथ। तो लेट अस सी क्या होगा। तो जो हमारा रिंग होगा साइनाइड ग्रुप, क्लियर, इसको बोलते हैं बेंजोनाइट रिंग। फर्दर हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने पहले भी कन्वर्जन में देखा है, इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, नाइट्राइल के बेंजोइक एसिड। तो आपने देखा कि ये आसान मेथड नहीं है, ये तब आएगा जब आपकी प्रैक्टिस बड़े अच्छे लेवल पे होगी। मूव टू नेक्स्ट वन, अगला देखते हैं जो सेकंड का क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर लेट अस सी। सेकंड के अंदर मैं देखूं तो यहां पे कन्वर्जन कर रहे हैं, बेंजीन दिया गया है और बेंजीन को कन्वर्ट करना है हमें मेटा ब्रोमोफिनोल के अंदर। तो मैं इसमें क्या करूं यार, ये मेटा ब्रोमोफिनोल बने हमारे पास, बड़ा आसान सा तरीका है। यहाँ पे मुझे यानी कि जो ब्रोमिनेशन है मेटा पोजीशन पे चाहिए, तो मेटा पोजीशन पे तभी आएगा जब मेरा रिंग पे जो ग्रुप रहेगा वो मेटा डायरेक्टिंग होगा। और आपको अभी जो पिछला ही मेथड किया उसमें नाइट्रो ग्रुप कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो पहले तो मैं नाइट्रेशन कर देता हूँ इसकी, कंसेंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड H2SO4। तो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरी बेंजीन की नाइट्रेशन होगी, तो ये नाइट्रो ग्रुप लग गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं ब्रोमिनेशन करूंगा, मैंने Br2 के साथ ट्रीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 एनहाइड्रस। तो ये मेटा डायरेक्टिंग था, तो आपकी मेटा पोजीशन के ऊपर कौन सा ग्रुप आएगा बेटा जी, ब्रोमीन। ये बन गया हमारा मेटा ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। फिर
फिर वही पुराना रास्ता, इसकी रिडक्शन कर लिए, इस पर मैं चेंज कर रहा हूं रिड्यूसिंग एजेंट, एल आई एल एच फोर ड्राई चल बना, ये एनिलीन बन गया, एनिलीन बनने के बाद इसको फिर फर्दर वही नाइट्रस एसिड से HONO लिख रहा हूं, NaNO2 की जगह जान बूझ के टेम्परेचर 273 से 278, ये आपका डाइजोनियम बन, ये बन गया डाइजोनियम क्लोराइड। और आप लोगों को एल्कोहल और फिनोल में मैंने ही पढ़ाया था कि अगर डाइजोनियम की हाइड्रोलिसिस कर दी जाती है तो डाइजोनियम गेट्स कन्वर्टेड टू फिनोल, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बेटा फिर देखो हमें इसमें हर एक चीज आनी चाहिए, तो इसलिए मैं तो यही सजेशन दूंगा कि एक बार पहले यूनिट पढ़ लें उसके बाद कन्वर्जेंस को हाथ लगाएं। अब डायरेक्ट कन्वर्जन की तरफ चलोगे तो दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी आपको। थर्ड कन्वर्जन पे आता हूं, लेट अस सी थर्ड में क्या कर रहे हैं। थर्ड में इन्होंने कहा है बेंजोइक एसिड इंटू एनिलीन, तो आपको बेंजोइक को एनिलीन में कन्वर्ट करना है। ये कन्वर्जन करना, तो अगर आप देखें कि हम लोग कैसे भी करें बेंजोइक को एनिलीन के अंदर, तो सबसे पहले आप ये चेक करिए कि नंबर ऑफ कार्बन कम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल एक कार्बन कम हो रहा है तो वही मेथड जैसे पहले करते थे, अमोनिया गैस पास करिए इसके अंदर से, ये एक्वस फॉर्म में भी ले सकते हो, मैंने पहले बताया था। तो बनेगा हमारा ये बेंजामाइड, फिर होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन Br2 KOH अल्कोहल के साथ, डन। तो ये थर्ड था हमारा, फोर्थ की तरफ आइए। फोर्थ कन्वर्जन अगर हम लोग देखें बेटा जी क्या कह रहे हैं, लेट अस सी एनिलीन टू यहां पर मैं अगर आपसे मेथड की बात करूं, फ्लोरो आते ही आपको समझ जाना चाहिए कि बाद शाइमन यूज होगी, तो लेट अस सी बाद शाइमन में हमें क्या करना होता है, मैं आपको बताता हूं। ये हमने पहले एनिलीन ले लिया, क्लियर। अब मुझे दिख रहा है कि मुझे क्या करना है, 2, 4, 6 पे ब्रोमो चाहिए, तो आप लोग एक काम करिए, आप पहले एनिलीन की ब्रोमिनेशन कर दें यहां पे सीधी, और आपको पता था कि एनिलीन को अगर ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करोगे तो तीनों पोजीशन ही एक बार में एक्टिवेट हो जाती हैं इसके अंदर, तो हमने करना भी यही है, हम तीनों पोजीशन एक बार में एक्टिवेट कर देंगे। ये बन गया आपका, अब इसको मैं डाइजोनियम में बदलूंगा, बाल शाइमन लगाया सोडियम नाइट्राइड। आप एक काम करें, जैसे पहले डाइजोटाइजेशन में आप HCl लेते थे, इस बार इस रिएक्शन में आप लेंगे फ्लोरोबोरिक एसिड HBF4, टेम्परेचर लेंगे 273 से 278 केल्विन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड। आपका जो बनेगा ये डाइजोनियम सोल्ड बनेगा, बट लेकिन लेट अस ये कौन सा डाइजोनियम सोल्ड बन रहा है, अगर आप देख पा रहे हो ध्यान से, तो ये हमारा बन रहा है बेंजीन के केस में, ये जो डाइजोनियम बनता है ये बनता है बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। और अब कुछ नहीं करना था बेटे, इसके बाद जस्ट इसको हीट करना है, तो जब आप हीट करोगे तो आप सबको पता है कि न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये जो BF4 पार्ट है ये दो हिस्सों में टूट जाता है, ट्राइफ्लोराइड में और एफ नेगेटिव। तो अब एफ नेगेटिव क्या करेगा, यहां से N2 को डिस्प्लेस कर देगा, तो जब ये N2 को डिस्प्लेस करेगा तो आपकी बाल शाइमन कंप्लीट होगी, तो यहां पे फ्लोरो ग्रुप लग गया, तो ये जो कंपाउंड बनेगा ये कौन बनेगा, 2, 4, 6 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन। तो आई होप आप इसको कर सकते हो,
नाउ मूव टू फिफ्थ कन्वर्जन, पांचवी कन्वर्जन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि पांचवा कन्वर्जन क्या है। तो पांचवी कन्वर्जन में अगर मैं देखूं तो बेटा जी यहां पे कन्वर्ट किया जा रहा है बेंजाइल क्लोराइड इनटू टू फिनाइल इथेनामिन। या तो अगर हम लोग देखें तो ये बेंजाइल क्लोराइड, क्लियर। और ये जो हमारा कंपाउंड है टू फिनाइल इथेनामाइड, तो अब हमें क्या करना है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है साइनाइड मेथड, तो इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है। अब मैं डिटेल में भी नहीं जाना चाह रहा इसकी, तो KCN के साथ ट्रीट करना है अल्कोहल की प्रेजेंस में। तो अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो ये ग्रुप लगेगा आपका, और फिर मैंने पहले वाले कन्वर्जन में आपको बताया था कि जस्ट हमें क्या करनी होती है अब इसकी रिडक्शन, तो LiLH4 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आप लोग इसकी रिडक्शन कर सकते हो। फिर मैं बार बार कह रहा हूं, एक बार फिर बताऊंगा आपको कि इन मेथड्स में अगर आपने इनको करना है कन्वर्जन को, तो पहले यूनिट अच्छे से पढ़िए, यूनिट पढ़ने के बाद फिर अप्लाई करिएगा। मूव टू नेक्स्ट, अगर हम लोग अगला पार्ट देखें, नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, क्लोरोबेंजीन दे रखी है हमें, और इसको हमें कन्वर्ट करना है पैराक्लोराइन। तो मेरा तो पहले से आपसे कि एक ही सवाल रहेगा यहाँ पे कि जो क्लोरीन है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है मेटा डायरेक्टिंग है, तो मैंने आपको बताई दी ट्रिक कि रिंग के साथ फर्स्ट एटम देखना है, अगर उसके साथ आगे सिंगल बॉन्ड हो या वो अकेला हो तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है और पैरा मेजर प्रोडक्ट होता है इन केसेस में, तो बिल्कुल ये पैरा डायरेक्टिंग रहेगा। अब हमने क्या करना है, इसको रीड कर देना है, तो अगर आप देखेंगे जैसा मैंने बताया यहां पर पैरा पोजिशन पे NO2 ग्रुप आएगा, फर्दर हमें क्या करनी है इसकी रिडक्शन करनी है, जस्ट सिंपल कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज कर लिए, तो मैं H2 सप्लाई कर रहा हूं जैसे कि रेनिन एक्रिलिक की प्रेजेंस में, या आपका मन है तो आप और कोई रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज कर सकते हो। आगे चलते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास एनिलीन इनटू पैराब्रोमो एनिलीन। लेट अस सी, ये एनिलीन है और वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पैराब्रोमो एनिलीन। बेटा बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, तो लेट अस सी कि इसको पैरा ब्रोमो एनिलीन में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक बार ध्यान से देखिएगा, एनिलीन को अगर हमें पैरा ब्रोमो एनिलीन में कन्वर्ट करना है, तो यहां पे हमारे पास दिक्कत क्या है कि अगर मान लो मैं एनिलीन की ब्रोमिनेशन करता हूं ब्रोमीन मॉडल के साथ, तो मेरे पास तीनों पोजीशन एक ही बार में एक्टिवेट हो जाएंगे, दोनों ऑर्थो भी और पैरा भी, और 2, 4, 6 हमारे पास एनिलीन बनेगा। तो यहां पे मैंने आपको एक मेथड सिखाया था कि अगर आपको एनिलीन की एक्टिविटी कम करनी है तो उसके लिए आप लोग क्या करिए, इसकी एसिडाइजेशन कर दें एनिलीन की। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको एसिडिक एनहाइड्राइड से ट्रीट कर रहा हूं। तो ये मैंने एसिडिक एनहाइड्राइड लिया CH3CO2SO, तो साइड प्रोडक्ट के तौर पे क्या निकलेगा हमारा एसिडिक एसिड, ये निकल गया। क्लियर सबको? तो अब क्या होगा, जैसे पहले मैंने बताया इसको पूरा पढ़ना है, CH3COO यहां से एच गया, अब बचे हुए पार्ट को आपस में जोड़िए, देखिए क्या बन रहा है। ये वाला ग्रुप, अब ये एक्टिविटी कैसे कम है, पहले जो ये लोन पेयर था ये पूरा नीचे आ रहा था रेजोनेंस की वजह से, तो ये पूरी रिंग को एक ही बार में एक्टिवेट कर रहा था, ऑर्थो को भी और पैरा को भी, बट लेकिन अब ये जो लोन पेयर है बेटा ये दो जगह इन्वॉल्व हो गए, एक तो ये इस एसिडाई पार्ट के साथ इन्वॉल्व हो गया रेजोनेंस में, और एक ये रिंग के साथ भी इन्वॉल्व है, तो अब इसकी एक्टिविटी डाउन हो चुकी है,
तो जब इसकी एक्टिविटी कम हो चुकी है, अब हम लोग अगर ब्रोमिनेशन करते हैं एसिडिक एसिड के प्रेजेंस में, तो ब्रोमीन से कौन सी पोजीशन पे लगेगा? पैरा पे। तो ये पैरा पे हमारे पास ब्रोमीन लगा। तो अब एक मुझसे जो मिस्टेक हुई वो ठीक कर लीजिए। यहां पर अभी स्टिल हमारे पास अमाइन पार्ट नहीं रहा इस तरह से। तो अब हमें क्या करना है? फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस करना। तो इधर एच आएगा, इधर OH पार्ट आएगा आपके पास। अगर अब आप ध्यान से देखें एक बार, तो अब हमारे पास क्या बनेगा? ऊपर तो यही नहीं रहेगा, और पैरा पोजीशन के ऊपर कौन सा ग्रुप आ गया? ब्रोमो। तो ये जो कंपाउंड बनेगा कौन बनेगा? पैरा ब्रोमो एनिलीन। क्लियर सबको? अब आ जाइए बेटा जी कन्वर्जन नंबर 8 की तरफ। ये भी बड़ा अच्छा कन्वर्जन है, लेट अस सी। अभी एक बच्चे ने जिसे पूछा भी था, तो ये कन्वर्जन है हमारे पास कि हमें दिया गया है बेंजामाइड, और बेंजामाइड को हमें कन्वर्ट करना है टोलीन के अंदर, टोलीन के अंदर। तो लेट अस सी कि बेंजामाइड कैसे टोलीन में कन्वर्ट। ये जो कंपाउंड बना, ये बन गया बेटा जी हमारा बेंजामाइड, और हमें इसको कन्वर्ट करना है इस तरह से टोलीन के अंदर। तो पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप लोग क्या समझते हो कि मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूं टोलीन के अंदर, बताइए मुझे। तो यहां पे आपको कोई रास्ता नजर नहीं आएगा कि हम लोग इससे डायरेक्ट नहीं बना सकते, इसका कोई रिडक्शन कर दें समथिंग, हम नहीं कर सकते इसके साथ। तो हमारे लिए पास अच्छा रास्ता क्या रहेगा कि हम क्यों ना पहले बेंजीन ले आए और बेंजीन के ऊपर फिर फ्रीडल क्राफ्ट करें। लेट अस सी मैं कैसे कर रहा हूं, एक बार ध्यान से देखिएगा। तो मैंने यहां पहले होफमैन ब्रोमामाइड लगाया Br2KOH अल्कोहल के साथ, ये तो मैंने कौन सी रिएक्शन लगाई? होफमैन ब्रोमामाइड। ये कार्बोनाइल ग्रुप निकल गया आपका यहां से। ये जो आपका बनेगा ये कौन सा कंपाउंड बन गया? एनिलीन बन गया आपका। अब मैं एनिलीन को किसमें बदलूंगा? डाइसोनियम में। ये डाइसोनियम में बदल गया। इसके बाद मैंने आपको ना एक मेथड सिखाया था, अगर आपको याद हो, कि अगर आपको रिंग खाली करवानी है, अगर आपको रिंग खाली करवानी है, या तो आप इथेनॉल से ट्रीट कर दो, और अगर इथेनॉल से नहीं ट्रीट कर रहे तो आप लोग ट्रीट करिए इसको फॉस्फोरस एसिड से, हाइपोफॉस्फोरस से। तो मैं जानबूझ के हाइपोफॉस्फोरस से कर रहा हूं, इथेनॉल वाला आपको आगे आ जाएगा अभी। तो ये मेरे पास जो होता था H3PO3 होता था, सॉरी H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड वाटर की प्रेजेंस में। तो अब हमारे पास यहां क्या होता था बेटे, जो ये वाटर था ये अपनी ऑक्सीजन इसको सप्लाई कर देगा, तो जो फॉस्फोरस एसिड होता था हाइपो का, वो बन जाता था हाइपोफॉस्फोरस से फॉस्फोरस, यानी H3PO3, और दोनों हाइड्रोजन सप्लाई हो जाते थे डाइसोनियम को। डाइसोनियम की रिडक्शन होगी, एक एच यहां लगेगा, एक HCl के साथ जाएगा, तो आपको ये तो खाली मिल जाएगी। नहीं, साइड प्रोडक्ट क्या निकलता होता था? कन्वर्जन में लिखना नहीं होता, पर लेकिन फिर भी बता रहा हूं, N2HCl। क्लियर? तो अगर आपको कभी भी रिंग खाली करवानी हो, डाइसोनियम से रिंग लानी हो, तो फिर आप लोग उसको हाइपोफॉस्फोरस सोल्यूशन से ट्रीट कर देंगे। फर्दर क्या करनी है? अब सबको क्लियर है कि फ्रीडल क्राफ्ट होगी, तो CH3Cl3 इन प्रेजेंस ऑफ NHCl3 से ट्रीट करिए और आपका टोलीन आ जाएगा। तो ये था कन्वर्जन नंबर आपका 8, और आई होप आप इसको करने की सिचुएशन है। लास्ट कन्वर्जन पे आता हूं मैं, दैट इज कन्वर्जन नंबर 9। तो लेट अस सी कि 9th कन्वर्जन में क्या कहना है, देखते हैं। तो यहां पे इनका कहना है कि वी हैव टू कन्वर्ट एनिलीन इनटू बेंजाइल अल्कोहल। तो हमें एनिलीन को बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। ये बेटा जी मैंने एनिलीन ली, अब जब मुझे बेंजाइल में कन्वर्ट करना है तो दैट मींस मुझे कार्बन बढ़ाना है, क्योंकि बेंजाइल होता है CH2OH। तो जो पिछला मेथड किया था ना, सेम जो पिछला कन्वर्जन किया था, उसकी मदद से आपके पास टोलीन आ जाएगी यहां, और टोलीन आने के बाद आप इसके ऊपर सिंपल फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करें Br2HNO की प्रेजेंस में, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH2Br। बन गया जी बेंजाइल ब्रोमाइड। अब इसको
से ग्रीट कर देना आदमी, तो ये आपका प्रोडक्ट जो बनेगा बेंजाइल एल्कोहल। तो ये मैंने नो के नो कन्वर्जन जो थे आपके सारे आपको करके बता दिए। अब बेटा जो क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 9 में है, इसमें हमें हाफ रिएक्शंस दे रखी हैं और वो पूछ रहे हैं कि यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको पहले से आती है क्योंकि हमने इतने कन्वर्जन कर लिए हैं कि हमें पहले से आती है। जैसे फर्स्ट वन देखिए, अब आप सी एच डी सी एच टू आई, इसको ट्रीट किया गया एन ए सी एन के साथ, यहाँ क्वेश्चन मार्क है बीच में। फर्दर बेसिक मीडियम में पार्शियल हाइड्रोलिसिस की गई है, लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, और फर्दर इसको ट्रीट किया गया है MnaOH इन प्रेजेंस ऑफ Br2 के साथ। तो ये कह रहे हैं कि क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो बड़ा आसान है बेटा लेटर्स। पहले केस में आपके पास अल्काइल हैलाइड है, स्लाइड नेगेटिव स्लाइड पॉजिटिव, Na पॉजिटिव Cn नेगेटिव, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, Cn कार्बन को अटैक करेगा आई निकलेगा, तो ये आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा ये बन गया हमारे पास इथाइल साइनाइड या प्रोपेन नाइट्राइल भी बोल सकते हो। पार्शियल हाइड्रोलिसिस में मैंने आपको बताया था अमाइड बनता है हमेशा, तो यहाँ पे आपके पास अमाइड बनेगा, ये आपके पास अमाइड बनेगा। और बेटे जैसे KOH लेते थे आप लोग एल्कोहलिक Br2 की प्रेजेंस में, यहाँ पे NaOH लिया गया है, तो एक ही बात पड़ती है, ये होफमैन ब्रोमामाइड है आपकी, और जब होफमैन होती है तो मैंने कहा था कि एक कार्बन कम हो जाता है, तो ये आपके पास इथाइल एमीन बनेगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट रहेगा वो इथाइल एमीन रहेगा। क्लियर। सेकेंड वन पे आइए, सेम चीज है, देखिएगा ये दिया गया है जैसे वो दे रहे हैं, एरो के ऊपर लिख रहे सी यू सी है, फिर थोड़ा स्पेस है, फिर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस लिख लेंगे, उसके बाद अमोनिया से ट्रीट कर रहे हैं, क्या होगा इधर लिखे नथिंग, सैंड में है, यहां पे डाइजोनियम जो था हमारे पास सब्स्टिट्यूशन में जाएगा साइनाइड ग्रुप, बेंजोनाइट्राइल बनेगा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से, बेंजोइक बनेगा अमोनिया से ट्रीटमेंट से, बेंजामाइड बनेगा, दैट्स इट। तो हमने कन्वर्जन्स में पहले ही कर लिए हैं सारे के सारे। थर्ड वन देखिए, इथाइल ब्रोमाइड दिया गया है, केसीएन से ट्रीट कर रहे हो आप लोग, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस है और नाइट्रस है, कुछ नहीं करना, नथिंग है, साफ पता लग रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इथाइल साइनाइड, फर्दर रिडक्शन हुई, प्रोपेनामीन बनेगा, नाइट्रस से ट्रीट करोगे OH, और इधर कौन आया हमारा N, और इधर तो ये आपका बनेगा N प्रोपाइल एल्कोहल। क्लियर सबको। नेक्स्ट आइए फोर्थ पे चलते हैं, नाइट्रोबेंजीन था, आयरन HCl, अभी मैंने एक कन्वर्जन में यूज किया था अगर आपने ध्यान दिया हो, तो यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन करेगा, रिडक्शन करेगा तो बेटे क्या बनी थी वहां ध्यान दो, एनिलीन बनी थी, तो ये आपकी एनिलीन बनेगी। एनिलीन के बाद अगर हम लोग फर्दर देखें अपनी बुक के अंदर देखिएगा, पहले डाइएटोटाइजेशन कर रहे हैं, डाइजोनियम सॉल्ट बना, और डाइजोनियम बनने के बाद अब हाइड्रोलिसिस की गई है फिर से कंप्लीट। तो मैंने आपको ये भी कन्वर्जन में कराया था कि अगर डाइजोनियम की हाइड्रोलिसिस होती है तो फिर आपको फिनोल ही मिलता है, यानी कि आपको यहाँ प्रोडक्ट के तौर पर कौन मिलने वाला है, फिनोल। फिफ्थ वन आइए बेटे, ध्यान से देखिए एक बार, शुरुआत में क्या लिया गया, अगर आप देख पा रहे हो एसिटिक एसिड, किससे ट्रीट कर रहे हो अमोनिया से, किसकी प्रेजेंस हीट, क्या बनेगा ये भी मैं आपको करवा चुका हूं अमाइड, तो ये आपका अमाइड आया।
हमाइड के बाद अब बेटे इधर लिखो ध्यान से NaOBr इधर क्या जाओ बेटे ये होफमैन ब्रोमामाइड है अगर आप यहां ध्यान से देखें NaOH+Br2 था तो यहां से साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा HBr तो मेन प्रोडक्ट क्या बचेगा NaOBr तो ये वही तो है तो ये होफमैन ब्रोमामाइड हो रही है हमारे पास ये निकलेगा मिथाइल अमीन बनेगा फर्दर देखिए क्या कर रहे हैं मिथाइल अमीन बनने के बाद यहां पे इसको ट्रीट किया जा रहा है फिर डाइजोनियम के साथ NaNO2HCl के साथ बेटा जी मैंने आपको बताया था यहां पे ये एक्ट करता है नाइट्रस एसिड HONO तो अब इसको तीन जगह से ब्रेक कर देंगे लाइक दिस तो इधर से क्या आएगा OH N और O तो ये आपका क्या बनेगा मिथाइल एल्कोहल इस तरह से अगर आप चाहें तो ये कंप्लीट कर सकते हो अब आ जाइए लास्ट वन जो हमारी एक लास्ट दी गई है इसमें उसकी तरफ आते हैं देखते हैं क्या कह रहे हैं यहां पे हमें नाइट्रोबेंजीन दी गई इसकी रिडक्शन की जा रही है आयरन HCl के साथ एनिलीन बने बन गया एनिलीन फर्दर क्या कर रहे हैं बेटे अगर आप देख पा रहे हो अपनी बुक्स के अंदर देखिए नाइट्रस 273 का क्या बनेगा हर एक बच्चे को आता है हमारे डाइजोनियम से डाइजोनियम के बाद क्या कर रहे हैं इसको फिनोल से ट्रीट कर रहे हैं ये मैंने आपको अभी करवाई थी जस्ट थोड़ी देर पहले एजोडाई टेस्ट के तौर पे फिनोल की कपलिंग रिएक्शन लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो तो फिर यहां पे कपल बनेगा तो ये कपल हो जाएगी रिएक्शन आपको आना चाहिए आप पिछले वीडियो देखिए अगर आप देखेंगे कि ये चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा इसको बोलते थे एजोडाई और ऑरेंज कलर के इसके पीपीटी आते थे क्वेश्चन नंबर था 9 तो मैं अब आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और होप वो हमारी लास्ट वीडियो होगी उसके बाद हम लोग ये कंप्लीट कर चुके हैं।